हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आप स्टडी दे विच। सो हाजर हाँ तुहाडे लई अपनी अज दी जनरल नॉलेज दी क्लास लैके। सो इस सीरीज़ दे विच आपां तुहाडे लई पिछले सालां दे विच जिन्ने भी एग्जाम होए ने उहनां दे विच पुछे हुए क्वेश्चन नेगे जिहड़े जां इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे नेगे वो आपां इस सीरीज़ दे विच लैके आउंदे हुंदे आ। सो इस सीरीज़ दा अज आपणा 15वां दिन है। इस तों पहलां 14 क्लासां हो चुक्कियां ने। सो जेकर चैनल दे नाल पहली बार जुड़ रहे हो तां तुसीं पिछलियां 14 क्लासां नूं जाके जरूर देख लैणा। इहनां दी प्लेलिस्ट हैगी जिहड़ी बना दित्ती है। इस तों बिना मैथ रीजनिंग पंजाब जी के इहनां दी प्लेलिस्ट बनी पई है, वह भी जाके तुसीं देख सकदे हो। जियोग्राफी दी अपनी सीरीज चलदी पई है इक, ठीक है जी। तो स्टडी नोट्स जेकर तुम प्राप्त करना चाहते हो गूगल के सर्च कर लेने का पंज आप स्टडी, उत्थे तुहानू अपनी वैबसाइट मिल जाएगी। उत्थे जाके ऑनलाइन नोट्स ने जिहड़े रीड कर सकते हो सारे सब्जेक्टां दे। प्रश्न नंबर पहले दे वल चलदे आ। तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो वधिया लगी लाइक कर दिओ। हर एक नागरिक नू अपनी भाषा लिपि कला अते सभ्याचार नू संभालन अते प्रचार करन दा अधिकार किस आर्टिकल दे तहत है? देखो जी, भारतीय संविधान दे विच हर एक नागरिक नू अधिकार मिलिया होएगा अपनी भाषा नू, ठीक है जी, लिपि जां अपनी कला नू जां सभ्याचार नू वह बंदा संभाल सकदा है, उसका प्रचार कर सकदा है। ये हर एक नागरिक नू अधिकार मिलिया होया है, पर यह अधिकार हैगा जिहड़ा किस आर्टिकल दे तहत मिलिया होया है इन्हां दे विचों दसना हैगा चलदी हुई वीडियो दे विच। तुसीं ने जरूर दसना है चैट बॉक्स दे विच। देखो जी, ऑप्शन ए आर्टिकल 51, आर्टिकल 32, आर्टिकल 17 जां फिर आर्टिकल 29। राइट आंसर हैगा जिहड़ा ऑप्शन डी हैगा इसका, आर्टिकल 29 के तहत हैगा जिहड़ा यह अधिकार मिलिया होया है। पर जेकर घट गिनतियां की गल की जाए, ठीक है, तो वह होएगा आर्टिकल 30 के वल चले जावांगे आपां, ठीक है। आर्टिकल 29 के विच हैगी जिहड़ी हर एक नागरिक नूं अधिकार दिता होया इसके तहत कि कोई भी बंदा हैगा, कोई नागरिक है तो वह अपनी कला का प्रचार कर सकता है, संभाल कर सकता है उसकी, ठीक है जी। तो उस तो बाद चलते हैं जी अगले प्रश्न के वल। प्रश्न नंबर 2, आवाज़ नूं किस इकाई जां यूनिट दे विच मापया जांदा है? आवाज़ हुंदी है जिहड़ी अपनी, ठीक है, उसनूं जेकर मीज़र करना होवे, मापना होवे, तां उह किस इकाई दे विच मापया जांदा है? ऑप्शन ए डेसीबल, बी वोल्ट, सी वाट, डी एम्पीयर। राइट आंसर हैगा जिहड़ा ऑप्शन ए हैगा डेसीबल, ठीक है जी। जेकर आवाज़ नूं मापना होवे तां डेसीबल दे विच मापिया जाता है, जिमें कि देखो आप दूरी नूं मापते हैं, ठीक है, जां किसी भी चीज़ नूं आपां मापदे हां तां इस तरह आवाज़ नूं भी माप सकते हैं, पर वो डेसीबलां दे विच कि इन्ने डेसीबल है, इन्नी डेसीबल है, इस तरह जिमें आपां कहिंदे हुंदे आ कि इन्ने किलोमीटर दूर जाना है, तो इस तरह आवाज़ होंदी है डेसीबलां दे विच। प्रश्न नंबर 3, वन महा उत्सव के पिता वजों किस नूं जाणिया जाता है? ऑप्शन ए के एम मुंशी, बी हैगा जिहड़ा लाल सिंह, महात्मा गांधी, जां सुंदर लाल बहुगुणा। तो राइट आंसर हैगा जिहड़ा इसका ऑप्शन ए हैगा, ठीक है जी, के एम मुंशी। तो जेकर पूरा नाम इसका जानना होवे कन्हैया लाल, ठीक है, कन्हैया लाल लिख सकते हो, जां फिर कन्हैया लाल मनेक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मनेक लाल मुंशी, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हैगा। अगे चलते हैं जी प्रश्न नंबर 4 दे वल। भारत का सब तो घट जनसंख्या वाला राज केड़ा है? ऑप्शन ए केरल, बी सिक्किम, सी असाम, डी हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हैगा जिहड़ा इसका, देखो जी, सिक्किम हैगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हैगा, सिक्किम सब तो घट जनसंख्या वाला राज। देखो जी, इत्थे राज की गल हो रही है तो आप सिक्किम दे वल चलांगे, पर जेकर राज की जगह पर यूटी पूछा हो, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश की जेकर गल की हो, आप लक्षद्वीप के वल चलांगे, ठीक है जी। तो जेकर इतने देखो राज पूछेगा तो इसका राइट आंसर है जिहड़ा सिक्किम, सब तो घट जनसंख्या वाला राज है सिक्किम। पर जेकर घट जनसंख्या वाला अपना यूटी पूछा हो लक्षद्वीप राइट आंसर होएगा। प्रश्न नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कदों हुई? ऑप्शन ए 1935, 1930, 1926 या फिर 1939। राइट आंसर हैगा जिहड़ा ऑप्शन ए 1935 दे विच स्थापना हुई कलकत्ता। नोट कर लेने का तुसी ने 1 अप्रैल, जेकर डेट नोट करनी होवे 1 अप्रैल 1935 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई सीगी। प्रश्न नंबर 6 दे वल चलदे आ। हवा विच लिखे हरफ किस दी रचना है? ऑप्शन ए शिव कुमार बटालवी, सुरजीत पात्र, धनी राम चात्रिक, जां फिर अवतार सिंह पाश। जिहड़ा इसका राइट आंसर हैगा वह है जी ऑप्शन बी
सुरजीत पात्र, ठीक है जी, सुरजीत पात्र की रचना हैगा हवा विच लिखे हरफ। प्रश्न नंबर 7, हेठ लिखियां विच्चों जापान दे मैनचेस्टर वजों किसनू जाने जांदा है, ठीक है, जापान दा मैनचेस्टर किसनू कहा जांदा है। ऑप्शन ए देखो ओसाका, बी टोकियो, सी दोनों, डी कोई नहीं है इन्हां दे विच्चों। राइट आंसर देखना हैगा इसका, ऑप्शन ए हैगा ओसाका। ओसाका नू जापान दा मैनचेस्टर कहा जांदा है। जेकर पूछा जाए क्यों कहा जांदा है, यह कपाह उत्पादक जां हरप्पा कह सकते हैं कॉटन प्रोडक्शन करके मैनचेस्टर कहा जाता है जापान का ओसाका। प्रश्न नंबर 8 दे वल चलते हैं, अमीनोमीटर यंत्र नूं यंत्र किसनों मापन दे लई काम आउंदा है। अमीनोमीटर है यंत्र, ठीक है जी, मतलब कि यह मीज़र करन वास्ते हुंदा है, पर किसनों मीज़र करता है जां की काम आउंदा है यह अमीनोमीटर। ऑप्शन ए वायुमंडल दबाव, बी हवा की गति, सी हवा का तापमान, डी हवा की दिशा। राइट आंसर है जिहड़ा देखो किसनों मापन दे लई काम आउंदा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, हवा की गति नूं मापन दे लई वरत्या जांदा अमीनोमीटर, ठीक है जी। तो देखो जेकर वीडियो वधिया लगी तो लाइक जरूर कर देना है तुसीं ने, ते कमेंट करके जरूर दसना एंड दे विच के तुहाडे किन्ने क्वेश्चन नेगे जिहड़े अज दी क्लास दे विचों सही सीगे, ते चलदी हुई चैट बॉक्स दे विच अपना आंसर देने की जरूर कोशिश करया करनी है। प्रश्न नंबर 9, सोध बिल किस आर्टिकल दे विच आउंदा है, सोध बिल यानी कि अमेंडमेंट बिल किस आर्टिकल दे विच आउंदा है। ऑप्शन ए आर्टिकल 368 जां आर्टिकल 278, आर्टिकल 352 जां फिर आर्टिकल 150। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, आर्टिकल 368 है जिहड़ा ओह आर्टिकल 368 है जिहड़ा, ठीक है जी, ये होंदा है अमेंडमेंट बिल वास्ते, ठीक है जी, मतलब के सोध बिल वास्ते। प्रश्न नंबर 10 दे वल चलदे आं, दलीप कौर टिवाणा की रचना कथा कहो उर्वशी नू केड़ा सन्मान प्राप्त है। देखो जी सन्मान जिहड़ा मतलब के किसी रचना दे उत्ते जो अवार्ड मिले होंदा है, ठीक है, पर देखो जिहड़ी दलीप कौर टिवाणा की यह रचना कथा कहो उर्वशी, ठीक है, इसनू केड़ा अवार्ड मिलिया होया इत्थे ये दसना है, तो तुसीं ये भी जरूर याद कर लेना, लिटरेचर दे विचों क्वेश्चन आया होएगा, इस तरह के क्वेश्चन तुहानू पेपर दे विचों देखण नू मिलणगे ही मिलणगे, जां फिर मतलब कि अवार्ड का ईयर पूछा जा सकता है, ठीक है, जां रचना पूछा जा सकता है किस दी रचना है। तो देखो इत्थे नाम तो दस रखे कि दलीप कौर टिवाणा की रचना हैगी, ठीक है, पर इसनू केड़ा अवार्ड मिलिया होया इत्थे ये पूछा। देखो ऑप्शन ए ज्ञानपीठ, बी सरस्वती सम्मान, सी साहित्य अकादमी सम्मान, जां डी इन्हां दे विच्चों कोई नहीं। राइट आंसर है जिहड़ा देखो इसका वो है जी सरस्वती सम्मान, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, सरस्वती सम्मान प्राप्त हैगी ये रचना। अगे चलते हैं जी प्रश्न नंबर 11 ते, दूजा विश्व युद्ध कदों तो कदों होया, ठीक है, ऑप्शन ए 1938 तो 1940, बी 1939 तो 1950, जां फिर 1939 तो 1945, जां फिर 1938 तो 1945। राइट आंसर है जिहड़ा ऑप्शन सी है इसका, ठीक है, 1939 तो 1945 दे तक जिहड़ा चलिया सीगा दूजा विश्व युद्ध, ठीक है जी। तो यह सीगा देखो आप कह सकते हैं सितंबर तो सितंबर तक, तुसीं यह चीज़ भी याद कर लैनी है, सितंबर तो सितंबर तक चलिया सीगा 1939 तो 1945 तक। प्रश्न नंबर 12, पत्तियां दे विच मौजूद हरे रंग दे वर्णक नूं की कहिंदे ने, पत्तियां दे विच हरे रंग दा वर्णक मौजूद हुंदा हैगा उसनूं की कहिंदे ने। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी फ्लोइम, सी जाइलम, डी ऊर्जा। देखो इत्थे हरे रंग दा पुछा है, हरे रंग दा जिहड़ा वर्णक हुंदा है पत्तियां दे विच प्रकाश संश्लेषण क्रिया दे राहीं, देखो जदों पौधे भोजन अपना तैयार करते हैं, ठीक है, उत्थे भूमिका निभाउंदा है ये हरे रंग का वर्णक होंदा है जिहड़ा वह क्लोरोफिल होंदा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, सूरज की रोशनी दे विच जदों पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है, वह इस दे करके ही अपना भोजन तैयार कर पाते हैं हरे रंग के वर्णक दे करके जो कि क्लोरोफिल अखवाउंदा है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान विच प्रस्तावना की भाषा किस देश के दे संविधानिक स्रोतों तो ली गई है। देखो भारत के संविधान की जी प्रस्तावना है
उस दी जिहड़ी भाषा हैगी उह किस देश दे संविधान तो लई गई है जां उस मतलब कि किस देश दे संविधानिक स्रोतां तो लई गई है। ऑप्शन ए जापान, बी अमरीका, सी आस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। राइट आंसर हैगा जिहड़ा इह इसका आएगा आस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हैगा इसका आस्ट्रेलिया तो लई गई है प्रस्तावना की भाषा। प्रश्न नंबर 14 हेठ लिखियां विचों किस तातु नूं चाकू दे नाल कट्टिया जा सकता है। ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटाशियम, सी दोनों, डी कोई नहीं। राइट आंसर हैगा जिहड़ा देखो सोडियम नूं भी कट्टिया जा सकता है चाकू दे नाल ते पोटाशियम नूं भी। तां देखो यह दोनों अपने राइट नेगे, तां देखो दोनों सी ऑप्शन दे विच कहा गया तां अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होएगा। अगे चलते हैं जी प्रश्न नंबर 15 ते आदि ग्रंथ साहिब किस गुरु की रचना है। ऑप्शन ए श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, या फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। तो राइट आंसर है जिहड़ा देखो इसका श्री गुरु अर्जन देव जी। ठीक है जी, पंजवें पातशाह की रचना है आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, श्री गुरु अर्जन देव राइट आंसर है। अगे चलते हैं जी प्रश्न नंबर 16 ते। सो दोस्तों क्लास में लाइक जरूर कर देना है तुमने, तो जेकर पहली बार चैनल दे नाल जुड़ रहे हो चैनल सबसक्राइब कर लो, तुहानू डेली अपने चैनल दे उत्ते स्टडी नाल रिलेटड वीडियोज़ देखने मिलदी रहनगियां, ते नाल ही किसी भी भर्ती दे नाल रिलेटड कोई भी अपडेट आउंदी है उस दे बारे तुहानू अपडेट मिलती रहेगी। इस तो बिना मैथ रीजनिंग पंजाब जीके ते जोग्राफी दी प्लेलिस्टां बनियां पईयां ने, वह भी तुसीं जाके जरूर देख लैणेगा। प्रश्न नंबर 16 हैगा पंजाब दे किन्ने जिले राजस्थान दी हद दे नाल लगदे ने। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 1, डी 3। राइट आंसर हैगा जिहड़ा इसका वह है जी 2। ऑप्शन ए राइट आंसर हैगा 2 जिले ने गे जिहड़े राजस्थान की हद के नाल लगते हैं। पहला हैगा फाजिलका, फाजिलका ठीक है जी, तो दूजा है मुक्तसर। ठीक है जी, श्री मुक्तसर साहब, ये दोनों जिले ने गे जिहड़े अपना राजस्थान के नाल बाउंड्री शेयर करते हैं। ये तुसीं सारे अपने स्टेटां दा याद कर लेना, मतलब कि पंजाब दे नाल जिहड़े बाउंड्री टच करते हैं कि किस राज दे नाल पंजाब दे किन्ने जिले टच करते हैं। बाकी आपां क्लासां दे विच करदे ही रहांगे, जेकर एको क्लास दे विच कर लिया तां अपने मतलब कि आपां उलझ जाएंगे इक तरह। ठीक है जी, तां आपां हौली हौली तुहानूं इह करदे चलांगे आपां। ते नाल ही जिहड़ा चैनल दा कम्यूनिटी बॉक्स हुंदा उत्थे आपां क्वेश्चन पाउने हुंदे आ, उह तुसीं जरूर करन दी कोशिश करिया करो, उहनां दे विचों वोटिंग करदे रहिया करो तुसीं, तो जिहड़ा सही लगता है। जेकर उस दे विचों तुहानू सही नहीं लग रहा तो कमेंट बॉक्स दे विच जाके देख सकते हो, उत्थे अपने जिहड़ा सही आंसर हुंदा उस नूं पिन कीता हुंदा है। प्रश्न नंबर 17 ते चलदे आ, हंटर कमीशन की स्थापना कदों हुई। ऑप्शन ए 1882, 1890, 1857 या फिर 1868। राइट आंसर है जिहड़ा इसका 1882 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो जेकर पूछा जाए कि यह क्यों किया गया, तो यह एजुकेशन के सुधार वास्ते सीगा, हंटर कमीशन की स्थापना हुई सी 1882 दे विच। प्रश्न नंबर 18 संविधान की आत्मा जां कुंजी, संविधान की आत्मा जां संविधान की कुंजी किसनू कहा जाता है। देखो ऑप्शन ए अनुच्छेदां नू, बी भाषा नू, सी प्रस्तावना, डी उपरोक्त दे विचों कोई नहीं। राइट आंसर हैगा जिहड़ा देखो इसका ऑप्शन सी हैगा प्रस्तावना, प्रीएम्बल। प्रस्तावना नूं संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होएगा, प्रीएम्बल नूं कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 लहू गेड़ की खोज किसने की, ब्लड सर्कुलेशन की। ठीक है जी, ब्लड सर्कुलेशन जां लहू गेड़ की खोज किसने की। ऑप्शन ए विलियम हार्वे, लुईस पाश्चर, अलैगजेंडर या फिर जेनर। राइट आंसर है जिहड़ा विलियम हार्वे है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, विलियम हार्वे ने खोज की सी ब्लड सर्कुलेशन की। अगे चलते हैं जी प्रश्न नंबर 20 ते, 2011 की जनगणना अनुसार पंजाब का सब तो वध लिंग अनुपात वाला जिला केड़ा है। ऑप्शन ए होशियारपुर, या फिर लुधियाना, या जलंधर, या अमृतसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है होशियारपुर। ठीक है जी, तो जेकर अपना साखरता विच किया जाए तो भी होशियारपुर होएगा, तो साखर लोग होने करके लिंग अनुपात भी ज़्यादा है होशियारपुर के। इतने आप कह सकते हैं 961, तो या फिर देखो घट वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, घट वाला बठिंडा है, उस 868 गलत नहीं गया।
ठीक है। तो देखो यो क्वेश्चन से अज की क्लास के, क्लास किस तरह की लगी कमेंट करके जरूर दस्यो, अपने दोस्तों के जरूर शेयर कर दौ, तो नाल ही कमेंट बॉक्स के जरूर दसना है कि अज की क्लास के तुहाडे किन्ने क्वेश्चन सही रहे नेगे। तो बाकी प्लेलिस्टां भी तुसीं जरूर देखनियां नेगियां, सिलेबस उन्हां दे विच कंप्लीट कीता पिया, तो जोग्राफी की अपनी सीरीज चलती पई है वह भी तुसीं जरूर अटेंड करया करो, उस दा आपां टाइम फिक्स कर देंगे कि किस टाइम पर वह क्लास होया करनी है, ठीक है। वैसे अपना अजे कोई टाइम नहीं है, जदों भी मतलब कि टाइम लगता है तो आप क्लास लगा लें। सो जेकर स्टडी नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो तुसीं गूगल दे विच जाके सर्च कर सकते हो पंज आप स्टडी, उत्थे तुहानूं अपनी वैबसाइट मिल जाएगी, उत्थे जाके तुसीं सब्जेक्ट वाइज नोट्स रीड कर सकते हो, ठीक है जी। तो अपने दोस्तों के नाल जरूर शेयर करो, हुण तक नाल जुड़ने दा तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।